नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बची हुई सुबह की रोटी का स्नैक्स। उसके लिए पहले हमें रोटी को टुकड़ों में बारीक नहीं थोड़े बड़े बड़े टुकड़े कर लेने हैं। फिर उसके बाद अच्छे से थोड़े बड़े टुकड़े करो थोड़ा सा। फिर उसके बाद इसको हम तेल में एक साइड तेल गरम कर लेंगे। फिर तेल को थोड़ा गरम होने देंगे अच्छे से। अच्छे से गरम होने के बाद हम उसमें एक एक करके सारी रोटियां जितनी उसमें ऑयल में जाए उतना सब सारी रोटी डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। फिर उसको तल लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। गोल्डन ब्राउन होने तक उसको सारी रोटियों को हमें तलना है अच्छे से। थोड़ा क्रिस्पी हो जाए गोल्डन ब्राउन होने तक, थोड़ी सी रोटी अपनी क्रिस्पी हो जाए उतनी देर तक इसको तलना है। और ऑयल अपना गैस अपना थोड़ा सा हाई पे ही रखना है। देखो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये सारी रोटियां मेरी गोल्डन ब्राउन हो गई है। मैं इसे अभी ऑयल से निकाल रही हूँ। जैसे ही हम रोटी को दूसरे पैन में निकालते हैं उसके अंदर मसाले सारे हमको डाल देने हैं, जैसे कि नमक, मिर्ची, रेड चिल्ली पाउडर और धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जो भी आप डालना चाहो उसके ऊपर डाल सकते हो। चाट मसाला भी डालना चाहो तो आप डाल सकते हो उसके अंदर, पर गरम गरम रोटी के अंदर ही गरम हो तभी डाल देना है सारे मसाले उसके अंदर। ऐसे करके हम सारी जो भी रोटियां सब तल लेंगे धीरे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये मेरा भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। दूसरा हमारा दूसरा पार्ट भी दूसरी रोटी भी गोल्डन ब्राउन हो गई है, उसको भी हम निकाल रहे हैं। अभी मैं पूरा अच्छे से ऑयल उसका वो निकाल के फिर रोटी दूसरे प्लेट में डाल रही हूँ। अभी उसमें मैं सारे मसाले फिर से मैं उसमें थोड़े से ऊपर से और मसाले स्प्रिंकल करूँगी, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। ऐसे करके पूरा अच्छे से उसमें मिक्स कर लेना है। गरम में ही आपको सारे मसाले डाल देने, तो वरना ये मसाले चिपकेंगे नहीं रोटी के ऊपर। आपको गरम में ही डालोगे तो अच्छे से मसाले उसके ऊपर चिपक जाएंगे। इसको भी आप प्लेट में निकालो और गरम गरम चाय के साथ सर्व कर सकते हो, या फिर गरम चाय के साथ आप खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। एक बार आप ट्राई करिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।